या एक्चुअली मैंने अपना नया लैपटॉप लिया है ना तो इसका काफी ये नॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छी है पिछले वाले लैपटॉप में तो हर आवाज ही जा रही होती थी आई वंट ट्राइड बाइंग माइक फॉर दिस बट काफी ना सराउंडिंग अब पंखा तेज है गर्मियों में पंखा तेज है तो उसकी भी आवाज जा रही होती थी ये माइक का बहुत अच्छा है नॉइस कैंसलेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट्स ज विच रिजल्टि अभी एक बात इधर और भी लिख लें वैसे एक क्वेश्चन की नहीं है आई वु प्रेफर के हम ऊपर लिख लेते ऑब्जेक्ट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी इधर अगर मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ज़ीरो अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है व्हेन आई से दिस इज जीरो इट मींस इट्स इट्स एट मैक्सिमम वैल्यू ओके पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो होती है और दिस पोटेंशियल एनर्जी वाला जीरो इज मैक्सिमम जीरो एंड दिस काइनेटिक वाला जीरो इज जीरो सही है अब जब इधर आते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी याद रखें डिक्रीज करती है

कॉपी क्लियर गाइस शुड आई मूव यस सर साथ, साथ बहुत बता दे करें अच्छा अब हमारे पास गैस थोड़ी डेरेवेशन है

इसमें थर्टी रिपीट क्वेश्चन आते हैं रिपीट क्वेश्चन का क्या मतलब मेरे पास एग्जैक्ट रिपीट से वैल्यू चेंज होती है क्वेश्चन वही होता है अभी हम लोग पास पेपर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी एंड थ्योरी में भी याद रखें हमारे पास थर्टी टू थर्टी फाइव रिपीट आता है तो अगर आप लोगों को फिजिक्स नहीं भी आती बट आपने पास पेपर में इतनी प्रैक्टिस कर ली है ना यूनिट सिक्सटी फाइव फॉर एन ए एन पी फोर अच्छा तो आप लोगों का रट्टा भी अच्छा हो ना तो आप कर सकते हैं आप जैसे ये आंसर है ये थ्री मार्क्स का आता है आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं आपकी फिजिक्स की जितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ना यू कैन नॉट आर्टिकुलेट एन आंसर लाइक दिस ओके यू गाइस मी तो अ लॉट ऑफ टाइम्स में आपने बहुत मेमोराइजेशन भी करनी है एंड आई फील लाइक इट्स अ गुड थिंग इट रियली हेल्प्स जिन स्टूडेंट्स की फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं होती ना उनके लिए ए टू पर इसमें ये फायदा हो जाता है अब जैसे हम डेवेशन करते हैं डेरेवेशन तीन चार मार्क की आती हैं They can derive an expression for escape velocity from planet surface having mass M and radius R. अब देखिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वी नीड टू मेमोराइज दिस अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टैंडिंग एज दिस कॉन्सेप्ट अच्छा उसकी वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे ऑन द सरफेस इट्स गोना बी माइनस जी एम ओवर आर राइट मैक्सिमम है तो माइनस जी एम ओवर आर होगी एंड अच्छा एक चीज सॉरी गाइस माय बैड हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी

बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नॉट पर यूनिट मास ये पर यूनिट मास होता है इसलिए एम तो मल्टीप्लाई नीचे भी एम हो जाता है याद रखिएगा लिख लें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और साथ लिख लें दिस इज नॉट पर यूनिट मास दोनों में फर्क ये है कि एक यूनिट मास यूनिट मास नहीं है ओके okay? चले तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की होगी माइनस जी एम एम ओवर आर उसके बाद हमने इसको स्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट सरफेस हैविंग मास एम एंड रेडियस आर सो अब हम लोग क्या करेंगे हम लोगों को कितनी एनर्जी चाहिए टू तो स्केप टू तो इन्फिनिटी हमने इन्फिनिटी पे जाना है तो हमें ये एनर्जी चाहिए ये तो नेगेटिव है बट हमें इसको चाहिए कि अगर हमने distance को infinity करना है हमें कितनी एनर्जी चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर एंड इस पॉइंट पे मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है जी काइनेटिक एनर्जी होती है मैंने आपको ऊपर देखे लिखवाया ना इधर कि हमारे पास सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है सो वी नीड ऑल ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी टू कन्वर्ट इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओके सो ये इधर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो वी वॉन्ट ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट इज वन बाई टू एम वी स्क्र इधर ये मैक्स है टू कन्वर्ट इंटू योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सो वी जस्ट इक्वेट दीज टूजन एम वी स्क्म ओवर आर वो आप लोगों को लॉफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद होगा जो हम लोग लेवल में करते थे कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर है। अगर याद है तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है पोटेंशियल हो रही इट्स कन्वर्टिंग एनर्जी तो हमारे पास देखेंगे mm हमारे पास सो स्के मैटर सही है गाइस तो इसकी लॉजिक समझ आ गई आप लोगों को स्केप वेलोसिटी माय जी सर सही है ये आता है तीन मार्क का स्केप वेलोसिटी अब इधर ये फॉर्मूला अगेन कोई चीज बता रहा है कैन यू गाइस टेल मी इस फॉर्मूला की इंटरप्रिटेशन क्या होगी द स्केपोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन दास ऑफ दॉरी ऑन दास प्लान मास ऑफ दुर्ज खलीफा ने भी जाना है इधर से मतलब इन्फिटी तक जाना है या मैंने जाना है तो दोनों की स्केप विटी सेम होगी सही है वी विल बी सेम तो ये आप क्वेश्चन इस पे आते हैं तो वो आने चाहिए आपको फिर हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ्स हम लोग फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे फिर दूसरे हमारे पास होती है एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड अब ऑर्बिटल स्पीड में याद रखें इट्स वेरी सिंपल हमने वैसे भी पढ़ा नहीं है सेंट्रीपीटल फोर्स डिड वी स्टडी सेंट्रीपीटल फोर्स और डिड वी नॉट पढ़ा है ना

इसका वैसे आपको क्वेश्चन जब आता है उसमें कहते हैं कि आपने रीजनिंग भी लिखनी है तो यू गाइज ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स इन इट सेल्फ एग्जिस्ट करती है मतलब इस सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मतलब किसी इज अ फोर्स और नॉट मुझे आंसर दे सकता है कि ये कोई फोर्स है

अब इसको मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा इस केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रहता है दो ऑब्जेक्ट हैं सही है तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज देंट्रीपीटल फोर्स इसका मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं मेरे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने एक तार के साथ लटकाया है इधर अब यह केस में हमारे पास टेंशन द तो सेंटर है राइट तो अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उस केस में हमारे पास टेंशन सेंट्रीपीटल फोर्स बन जाएगी यह हमारे पास लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ये मुझे आप लोग बताइएगा ऑब्जेक्ट जा रहे है ना मतलब एक हॉट व्हील है मेरे पास एक गाड़ी है सही है और, और इस पे हमारे पास गाड़ी है सही है अब मुझे पता है कौन सी फोर्स इज एक्टिंग एज देंट्रिपिटल फोर्स इस जगह पे कौन सी फोर्स होगी जीशवा आपकी आवाज नहीं आई पे माइकन हुआ सर

बट हम लोगों ने इधर क्या निकालना है एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड राइट तो हम लोग चलें ये यूज कर लेते हैं तो एम एम कैंसिल हो गया हमारे पास तो वट विल बी वट विल बी ये आर भी कैंसिल हो गया तो v will be equal to under root gm over r. सो so याद रखें the orbital speed for an object that is traveling in an orbit सही है. तो हमारे पास ये होगी क्या होगी oh, this is your orbital speed. And इधर मुझे फिर कोई एक बंदा एक बात बता सकता है इसको इंटरप्रेट करे जरा ये क्या है हमारे पास मतलब इसको मुझे डिस्क्राइब फॉर्मूला में क्या शो कर रहा है ऑर्बिटल स्पीड ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी कम होती जाएगी सही है तो ये भी आप लोगों ने याद रखना हम्म hmm. ये भी हमारे पास हो गया अब जरा एक लास्ट हमारे पास डेरिवेशन रहेगी हमारे कोर्स की तीन डेरिवेशन है okay? एक हमारे पास वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड और एक कैपलर्स लॉ है ये हमारे पास है बेसिकली अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग एफ सी इज इक्वल टू एफ जी बट वी आर एम आर ओमेगा स्क्वायर Is to GMM over Achha, आप लोगों ने काम करना है आज की क्लास क्लास आईजर सेल्फ मतलब क्वेश्चन को पेपर को नहीं देखना कि ऐसे लिखा हुआ लॉजिक यूज करें कि हमने कौन सी लॉजिक यूज की थी एंड आई वांट यू गाइस टू डू द मैथमेटिकल थोड़ा सा आदत हो जाए एम आर ओमेगा स्क्र उमेगा हम लोगों ने पढ़ा था

टी डी सब्जेक्ट हम बेसिकलीजर्स लॉ निकाल रहे हैं तो टी स्क्ट रियली मैटर क्या होता है फिर हम तो इधर really हमारे पास मेरे ख्याल से हो जाएगा फोर पाए स्क्र आ जाएगा राइट फोर पा स्क्र एम एम कैंसल हो गया ओवर जी एम राइट तो यह हमारे पास गाइज बेसिकली

तो कैपुलर्स लॉक अगर हम हमें बेसिक वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूं तो इट से जितना मेरे पास रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब डिस्टेंस दोनों सेंटर्स की ऑब्जेक्ट्स की इंक्रीज होती है उतना मेरा टाइम पीरियड भी इंक्रीज होता है एंड इफ यू थिंक मतलब लॉजिकल बात है आप खुद एक ऑब्जेक्ट मतलब आप देखें हमारे पास पहला सन ये है सन मेरे ख्याल से पहला मरकरी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग मर्करी वीनस नहीं वीनस नहीं आता मर्करी के बाद क्या आता है मुझे तो याद ही नहीं है मर्करी Mercury... गैस सेकंड प्लेनेट कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में फूल सोलर सिस्टम देखने हैं जल्दी से सोलर सिस्टम इमेजेस पहला प्लेनेट हमारे पास सन है फिर मर्करी है तो ये मर्करी गया फिर हमारे पास वीनस है ना हाँ सही था मर्करी वीनस अर्थ हैव मार्स जिधर इलास जाना चाह रहे अब आप लोग खुद सोच लें एक चीज जितनी दूर है उसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि देखिए मर्करी का टाइम ऑर्बिटल मतलब जो डिस्टेंस होगी वही होगी वीनस की इतनी बड़ी होगी अर्थ की फिर इतनी बड़ी हो फिर मार्स की तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी तो दिस वॉज वेटी कॉमन बट कैपुलर था नहीं मैंने पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो चलें यू गैज नाउ

जा मैं आपको करवाता हूँ अच्छा जियो स्टेशन सैटेलाइट अच्छा तो जियो स्टेशन सैटेलाइट्स की बेसिक डेफिनेशन ये है दीज आर इक्विटोरियल 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 सैटेलाइट्स विद टाइम पीरियड एज ऑफ अर्थ Aisha, what is the time period of Earth rotation? Sure, it's 365 days. Around its axis, rotation around its axis. Sorry, my question Fred. what is the time period of Earth? It's about man, rotation ka around its axis. Ji. Twenty-five. What? Wait, do you mean the um around its axis 24 hours? Correct. And Alishba allowed around its orbit, So 365. Yep. Days. So 24 hours. So around its axis is when it's rotating in Malavijomara 23. point axis so yeah. And orbit is when it's moving around the sun. तो छोटी छोटी वर्डिंग होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट की एवरीथिंग इज क्लियर ओके उसके बाद दे ट्रैवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलोंग कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन जियो स्टेशन सेटेलाइट होती है इनका एक्सिस भी हमारे पास अर्थ वाला ही होता है अच्छा जो अर्थ को फॉलो कर रहे होते हैं स्टेशनरी तो जो जियो सैटेलाइट्स होती हैं इसको आप लोग इस तरीके से समझेंगे हमारे पास अर्थ है ये उसका एक्सेस है और ये इसमें घूम रही है सही है इस तरीके से एक हमारे पास सैटेलाइट है इस पॉइंट पे ओके ये भी अब चौबीस घंटों में अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है अच्छा अब जैसे अर्थ घूम रही अब एक बंदा इधर खड़ा हुआ सपोज दिस दिस इज मी एंड आई एम वाचिंग तो मैं जितना घूम रहा हूं उतने ही टाइम में ये भी मेरे साथ घूम रही है सो दैट इज दिन जियो स्टेशनरी स्टेशनरी मतलब अपनी जगह भी दिखती है सही है स्पीड उनकी थोड़ी सी ज्यादा होगी अर्थ से अर्थ ये बाहर होती है अर्थ से बट देर टाइम पीरियड इज द सेम ओके एंड बी जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हमारे पास क्वेश्चन आता है सो वी यूज लॉ uh, अच्छा एक बड़े मजे का मेरा सवाल है आप लोगों से कि Kepler ने इस में T square square GM अपनी जब इक्वेशन निकाली मतलब अपनी प्रोपोर्शनैलिटी निकाली तो उसने टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब क्यू निकाला वो तो टी भी निकाल सकता था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन वन ओवर जी भी निकाल सकता था या वो आर को उधर ले जाता और वो और प्रोपोर्शनलिटीज प्रोपोर्शनलिटीज मतलब आपकी बहुत निकल सकती थी ना कहने का मकसद ये उसने यही वाली क्यों निकाली उसने ये चार क्यों नहीं निकाली एंड एनी अदर पॉसिबल प्रोपोर्शनलिटी बाकी सब चीजें कांस्टेंट है जी करेक्ट जी कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है फोर पाई स्क्वायर

आप हमेशा हो क्या रहा है? जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी निकालते हैं आप लोग वेरिएबल्स की निकालते हैं अच्छा कांस्टेंट्स के साथ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं निकलती यू कैन नॉट से प्रोपोर्शनल टू फोर पाई स्क्वायर कि अगर टी स्क्वायर इंक्रीज होगा तो फोर पाई की वैल्यू इंक्रीज होगी नहीं फोर पाई स्क्वायर इज अंस्टेंट इसका मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को ये देता हूँ कि आप लोगों ने वी इज इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा वो लेवल में आपके टीचर्स ने आपको नहीं बताया आप लोग लिखते होंगे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कि अगर मेरे पास हाँ एक दूसरी बात भी याद रखें हाँ हाउ डू प्रोपोर्शनलिटी वर्क ओके ये बड़े मजे की बात है आप लोग ना ए टू में भी आके ये गलती करते होंगे टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मायदा आप मुझे बताएं v is directly proportional to r r is directly proportional to v आप जरा इसको मुझे एक्सप्लेन करें इस प्रोपोर्शनलिटी को दोनों को जो मैंने लिखी हुई है ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस है जी इसको डिस्क्राइब करें ना मतलब एक मैं बेसिक ले मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी पूछता हूँ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इसको एक्सप्लेन करें

आपने कहा है जितना v बढ़ता है उतना r बढ़ता है गलत अब अलिशबा आप मुझे बताएं आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आई वांट यू टू एक्सप्लेन अगेन आई एम अ लेमन मुझे फिजिक्स नहीं आती मुझे एक्सप्लेन करें um सर गुरुत्व की लाइक एक कांस्टेंट है और एक को हम वेरिएबल ले रहे हैं सो वेरिएबल है variable वेरिएबल दोनों variable है um I pretty much had Myda's answer in my mind. I'm not really sure. Wrong. देखें इसमें yeah. एक dependent variable है और एक independent है आप लोग समझे जब हम लोग बात करते थे v is directly proportional to r या r is directly proportional to v r is equal to directly proportional to v हम कभी नहीं लिखते थे why हम लोग लिखते थे v is directly proportional to r doesn't really matter if you switch it around but what's happening is कि जब मेरी resistance ज़्यादा होती थी तो मेरी voltage उसकी वजह से ज़्यादा होती थी वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस नहीं हो सकती कि मेरे पास जब होने की वजह से आर क्यूब पे फर्क नहीं आता सो यू गाइस अंडरस्टैंड कि एक चीज की वजह से दिस इज द इंडिपेंडेंट आर क्यूब इज द इंडिपेंडेंट आर जब हमारे पास नीचे जो रेजिस्टेंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल